सड़क हादसों पर अंकुश लगाए जाने की दिशा में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा माह 2023 का शुभारंभ आज मुरादाबाद जनपद में किया गया। सड़क सुरक्षा माह 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम पंचायत भवन सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें कमिश्नर आंजने कुमार सिंह, डीआईजी शलभ माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीना सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चे, स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह 2023 के शुभारंभ के अवसर पर गोष्ठी आयोजित हुई, उसके उपरांत सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई गई। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु उसके बाद स्कूली बच्चों और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली पंचायत भवन सभागार से निकाली गई, जो विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए कंपनी बाग पर आकर संपन्न हुई। कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए कमिश्नर आंजने कुमार सिंह ने बताया कि विशेष तौर पर सड़क सुरक्षा के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है और लंबे समय से चला है, एक बार फिर हम उसे शुरू कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए और एक्सीडेंट की संख्या में कमी लाने के लिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना में घायल और मृतक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस संख्या को हम कम कर सकें, इसी उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह 2023 का शुभारंभ किया गया है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए मंडल आयुक्त ने कहा कि आज पूरे प्रदेश के साथ मुरादाबाद में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है और समाज में जागरूकता के संदेश देने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष तौर पर सड़क सुरक्षा का के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है और लंबे समय से चल रहा है, एक बार फिर से हम इस कुछ शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए और एक्सीडेंट की संख्या में कमी ले आने के लिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना में घायल या मृतक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे अगर देश में देखें तो एक अभियान प्रदेश में चलाया गया है कि प्रदेश में हम इस संख्या को कम कर सकें। इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी निर्देश के अनुपालन में यहाँ पे मंडल में भी और हर एक जनपद में इसको हम लोग चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा कर सकें। वैसे पहले से भी हमने कई सारे उपाय किए हैं मिलकर और यही कारण है कि हमारा अगर प्रदेश में आप देखेंगे तो मुरादाबाद मंडल में दुर्घटना की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हालांकि ये संतोषजनक नहीं है, हमें इसे और नीचे ले आना है और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब लोगों के माध्यम से हम लोगों में संदेश प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें और सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिकता पर जिनको चाहिए सड़क पर चलने का, उनको प्राथमिकता दें और यही सबको सिखाएं, अनुशासन का पालन करें। डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि मुरादाबाद में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सभी को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान सभी के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस संदर्भ में हम लोग का सतत प्रयास रहता है और इसके अंदर हम लोग का एक बार जो प्रयास इस अभियान के पूर्व किया गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो रेंज की पांचों डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पुलिस अधीक्षक और सभी अधिकारियों ने अपने स्टाफ को, यानी जो हम लोग पुलिस कर्मचारी हैं, वो यातायात नियमों का पालन करें, वो हेलमेट लगाएं, वो सीट बेल्ट लगाएं, वो जितने भी नियम हैं जो रोड डिसिप्लिन के हैं उसका पालन करें। इस संदर्भ के अंदर इसमें वर्कशॉप किया गया है।
साथ ही साथ नियमित रूप से इसमें चाहे अवेयरनेस की बात हो, चाहे डिसिप्लिन इंश्योर कराने की बात हो, एनफोर्समेंट की बात हो, संवाद की बात हो, ये नियमित रूप से किया जा रहा है। और जैसा आपने देखा आज गोष्ठी भी आयोजित की गई और हम लोग का सतत प्रयास रहता है कि पब्लिक स्वयं इसके अंदर जागरूक हो, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ ये कार्रवाई हो, संवाद के थ्रू ये कार्रवाई हो, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें आप स्वयं जानते हैं कि कितने सारे एक्सीडेंट्स और कैजुअल्टी होती है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग इन डिसिप्लिन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भारी गिरावट दी जाएगी। इसके साथ साथ गोल्डन आवर के अंदर ट्रॉमा सेंटर्स को चिन्हित करना, अपनी पुलिस को इस संदर्भ में फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना, ये संदर्भ में सारी कार्रवाई की जा रही है।